नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। अगर आप गूगल पर ये चीज़ें सर्च करते हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए। गूगल पर गलती से भी आपको ये चीज़ें सर्च नहीं करनी है, वरना आपको लाखों का चूना लग सकता है। दरअसल ठगों ने लोगों को चूना लगाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। आजकल हमें किसी भी बात की जानकारी चाहिए होती है तो हम सीधे जाते हैं गूगल की तरफ। गूगल पर सर्च करने के बाद हमें वो जानकारी प्राप्त भी हो जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइबर जालसाजों ने गूगल सर्च इंजन के जरिए ठगी का एक नया जरिया बना लिया है। लोग स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, सिविक एजेंसी या कुछ भी सर्च करने के लिए सीधे गूगल की मदद लेते हैं। इससे आपको चीजों की जानकारी जरूर मिल जाती है, लेकिन कई बार ठगों के फेर में फंसकर लोगों के खाते तक खाली हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक हमने इस टॉपिक से शुरुआत क्यों की। दरअसल इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालिया मामला योजना विहार निवासी के साथ पेश आया। दरअसल एक महिला को नगर निगम में कुछ शिकायत करनी थी। इसके लिए सोमवार को उन्होंने गूगल पर हेल्पलाइन नंबर तलाशना शुरू किया। उन्हें एक नंबर भी मिला जिस पर उनकी बात आरोपी से हुई। अब आखिर बात करने वाला अचानक आरोपी कैसे हो गया, वो आपको समझाते हैं। आरोपी की तरफ से कहा गया कि जो भी आपकी समस्या है उसे जल्द से जल्द सुलझा दिया जाएगा। आरोपी ने पीड़िता को एक लिंक भेजकर महज 2 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा। पीड़िता इस बात पर राजी भी हो गई, लेकिन जैसे ही पीड़िता ने लिंक पर क्लिक किया उनके खाते से 90,000 रुपए गायब हो गए। पीड़िता की शिकायत पर शहादरा जिले की साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चलिए ये बात तो हुई कि आपके साथ किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड किया जा सकता है, लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है, अब उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। गौरतलब है कि आपको जो भी जानकारी प्राप्त करनी है उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही जानकारी लेने की कोशिश करें। इसके अलावा किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट को गूगल पर ही 2 से 3 जगह पर क्रॉस चेक करिए, ताकि ठगी होने के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर हों। गूगल पर जो मोबाइल नंबर आपको दिया जाता है उस पर बात करने के दौरान आपको बातों से अंदाज़ा लगाना होगा कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो सही व्यक्ति है या फिर कोई जालसाज। गूगल पर मिले किसी भी नंबर पर या दूसरी जगह से कोई भी लिंक मिले और वो व्यक्ति कहे कि आपको महज 2, 4, 5, 10 रुपए ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यदि आप गूगल सर्च के दौरान किसी ठगी का शिकार हो चुके हैं तो अपने फ़ोन का इंटरनेट तुरंत बंद कर लें। ऐसा करने से आरोपी मोबाइल को रिमोट पर नहीं ले पाएगा। इसके बाद तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और अपने खाते को बंद करने के लिए कहें। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, आप क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी कि 1930 पर इसकी जानकारी जरूर दें। इसके अलावा आप रिपोर्ट को www.cybercrime.gov.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये खबर आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, और आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ इस तरीके का हादसा पेश आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो भी टिप्स हमने बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन लोगों तक भी पहुँच सके। आज की इस खबर में इतना ही, अगली खबर में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक आप देखते रहिए तेज तरार। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पहली नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को।